जिला कांगड़ा में कोरोना वायरस के दो संदिग्ध मरीज सामने आने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। विभाग ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा के बाद अब जोनल अस्पताल धर्मशाला तथा पालमपुर अस्पताल में भी 5-5 बिस्तरों की व्यवस्था वाले आइसोलेशन वार्ड स्थापित किए हैं। पालमपुर उपमंडल के तहत माँ बेटी में कोरोना वायरस के संभावित लक्षणों के बाद जिला भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिला कांगड़ा में कोरोना वायरस के दो संदिग्ध मरीज सामने आने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। विभाग ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा के बाद अब जोनल अस्पताल धर्मशाला तथा पालमपुर अस्पताल में भी 5-5 बिस्तरों की व्यवस्था वाले आइसोलेशन वार्ड स्थापित किए हैं। पालमपुर उपमंडल के तहत माँ बेटी में कोरोना वायरस के संभावित लक्षणों के बाद जिला भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। विभाग द्वारा सभी बीएमओ को संबंधित क्षेत्रों में 10 फरवरी के बाद विदेश यात्रा से लौटे नागरिकों की पूरी जानकारी तथा उनके स्वास्थ्य जांच करवाने संबंधी प्रक्रियाओं को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही ऐसे लोगों को स्वेच्छा से भी अपने स्वास्थ्य जांच करवाने का आह्वान किया है। जानकारी के अनुसार चीन, हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड, साउथ कोरिया, जापान, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, इटली, नेपाल, ईरान में कोरोना वायरस के मरीज सामने आने के बाद भारत में इन देशों से आने वाले यात्रियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। सीएमओ जिला कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने कहा कि जिला कांगड़ा से संबंधित दो मरीजों में कोरोना वायरस के संभावित लक्षणों को देखते हुए उनके संपर्क में आए अन्य करीबियों की भी स्वास्थ्य विभाग ने काउंसलिंग की है। मरीजों ने ही विभाग को उनके संपर्क में आने वाले रिश्तेदारों व सगे संबंधियों की सूची सौंपी है, जिस पर विभाग ने उक्त लोगों की भी काउंसलिंग तथा स्वास्थ्य जांच की है। सीएमओ जिला कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने कहा कि जिला कांगड़ा में अभी तक चीन सहित अन्य चिन्हित 12 देशों से 44 व्यक्ति जिला कांगड़ा पहुंच चुके हैं। इसमें से 21 व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग की 28 दिन की ऑब्जर्वेशन अवधि को पूरा कर चुके हैं। इसके अलावा 10 व्यक्ति ऑब्जर्वेशन अवधि के दौरान ही हिमाचल से बाहर चले गए हैं। मौजूदा समय में 13 व्यक्तियों को विभाग ने ऑब्जर्वेशन में रखा है। सीएमओ जिला कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने कहा कि एहतियात के तौर पर जोनल अस्पताल तथा पालमपुर अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड स्थापित किए गए हैं। इन वार्ड में 5-5 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है, साथ ही स्वास्थ्य विशेषज्ञों की टीम भी तैनात की गई है। साथ ही वायरस से संबंधित मामले ज्यादा सामने आते हैं तो अन्य अस्पतालों में भी आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था की जाएगी। इस रोग से डरने से नहीं बल्कि सतर्क रहने की आवश्यकता है। अभी तक हमारे पास गाइडलाइंस की तरफ से 2 सस्पेक्ट पेशेंट्स रिपोर्ट हुए हैं। दोनों को कुछ लक्षण पाए गए, जिसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के मुताबिक दोनों को जो है आइसोलेशन फैसिलिटी में शिफ्ट करके उनके सैंपल्स जांच के लिए भेज दिए गए हैं। रिपोर्ट्स अवेटेड हैं। तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस विभाग द्वारा हमें प्राप्त हुई हैं, उसके मुताबिक पहले जो थे हम सिर्फ चाइना से जो ट्रैवलर्स थे उन्हीं को ट्रैक कर रहे थे। उसके मुताबिक जो थे हमारे पास पिछले कल तक 44 पेशेंट्स की लिस्ट जो थी वो हमारे साथ शेयर की गई, जिसमें से 21 पेशेंट्स जो हैं वो 28 दिन का ऑब्जर्वेशन पीरियड पूरा कर चुके और उनको कोई लक्षण नहीं पाए गए। 10 ऐसे पेशेंट थे जो ऑब्जर्वेशन के दौरान ही स्टेट को छोड़ करके बाहर चले गए और 13 ऐसे पेशेंट हैं जो अभी भी हमारी ऑब्जर्वेशन में। कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी गाइडलाइंस में परिवर्तन करते हुए एक की बजाय 12 कंट्रीज के जो ट्रेवलर्स हैं उनको लिस्ट में डाला है, जो लोग 10 फरवरी के बाद भारत में प्रवेश किए। कल शाम को हमारे पास 2 ऐसे सस्पेक्ट पेशेंट रिपोर्ट हमारी नॉलेज में आए थे, जिनमें कुछ लक्षण पाए गए और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के मुताबिक हमने उन दोनों को आइसोलेशन फैसिलिटी जो आरपीएमसी टांडा में है वहाँ रात को शिफ्ट करवा लिया। वो वहाँ पर दाखिल हैं। एज पर एज प्रोटोकॉल जो उनके सैंपल टेस्टिंग के लिए जाने थे वो कलेक्ट कर करके डेजिग्नेटेड लैब में भेज दिए गए हैं, उसकी रिपोर्ट अपेक्षित है। तो इनके कॉन्टैक्ट जो क्योंकि जो ये सस्पेक्टेड पेशेंट्स थे, हमने इनसे जो जानकारी हासिल की है उसके मुताबिक हमारे पास कुछ उनके कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट आई है। वी हैव कॉन्टैक्टेड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम और आज की स्थिति में उनमें उसे किसी में भी कोई लक्षण नहीं पाया गया है, उनको होम आइसोलेशन की सलाह दी गई है। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।